हेलो, दिस इज सुनीता। मैं आपको आपकी बायोलॉजी बुक का लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए बीएमबी चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम जब भी बीएमबी चैनल पर न्यू वीडियोस डाले तो आपको इसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपके नोट्स भी साथ ही साथ मेंटेन होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवृतबीजी पादपों में जनन या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृतबीजी पादपों में जनन को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आवृतबीजी पादप होते क्या है या एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या चीज है। तो आवृतबीजी अर्थात आवरण युक्त बीज, यानी कि एनक्लोज सीड, अर्थात पादपों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा घिरे होते हैं? अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे होते हैं। आवृतबीजी पादपों को पुष्पीय पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यही ऐसे पादप जगत में यही ऐसे पादप है जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। इस पादप कुल के लगभग 2.5 लाख जातियां जो है वो पादप जगत में पाई जाती है। इस पादप समूह के पौधे सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देख लें कि पादप में जनन होता क्या है। तो पादपों में जनन क्या है? पौधे में अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, ये नई संतान की जो उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पादपों में जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। ये दो मेथड्स है उसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ मीन्स एबसेंट, सेक्सुअल मीन्स सिनगैमी, सिनगैमी मीन्स युग्मकों का संलयन, या हम इंग्लिश में बोले तो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, यानी कि इसमें गैमिट्स का फ्यूजन एबसेंट होता है। बिना गैमेट्स के फ्यूजन के या बिना सिनगैमी के रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन होता है तो मियोसिस नहीं होता। ये अलैंगिक जनन एक ऐसा टाइप है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नहीं होता, और फिर मियोसिस नहीं होता तो केवल माइटोसिस द्वारा ही जनन होता है। तथा सिंगेमी जो है या गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो इसमें नहीं होता, इसीलिए हम इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है उसे हम एपोमिक्सिस या असंग जनन भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर कई बार शॉर्ट में और लॉन्ग में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा कि सिंगेमी नहीं होती। सिंगेमी यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, और इसी को हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, और माइटोसिस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसे एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट, इसमें सिंगेमी होती है, युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट कौन कौन से? दो गैमेट्स होते हैं हमारे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होता है, सिंगेमी जिसे हम सिंगेमी कहते हैं, और लैंगिक जनन होता है। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम केवल लैंगिक जनन पढ़ेंगे। अब अलैंगिक जनन जो है वो दो तरह से पाया जाता है आवृतबीजी पादपों में। तो फर्स्ट टाइप है अनिषेक बीजता, सेकेंड टाइप है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन। हम फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, पहले अनिषेक बीजता या अगैमोस्पर्मी। पहले अनिषेक बीजता, अ यानी कि बिना निषेक यानी कि निषेचन, बीजता यानी बीज, यानी कि बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण होता है और उसी बीज से नए पादप का विकास होता है, नए पादप बनते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। अगैमोस्पर्मी, अ मीन्स एबसेंट या बिना, गैमो मीन्स गैमेट यानी कि युग्मकों का संलयन नहीं होगा, यानी क्या होगा? सिंगेमी नहीं होगी। स्पर्मा, स्पर्मा जिसका अर्थ होता है बीज, यानी कि बिना युग्मकों के संलयन के या बिना निषेचन के बीज का बनना, जिसे हम क्या कहते हैं? अगैमो स्पर्मी कहते हैं। इसमें प्रवर्धन तो बीज द्वारा ही होता है, प्रवर्धन मीन्स डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट तो बीज द्वारा ही होता है, लेकिन इन बीजों के विकास में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तथा सिंगेमी नहीं होती। सिंगेमी मीन्स गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट टाइप है हमारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हम इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। पौधे के किसी भी कायिक भाग को हम
कोई भी हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है। उसके द्वारा जनन जब होता है तब उसे क्या बोलते हैं, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तथा कायिक जनन में उपयोग के लिए किए जाने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, प्रवर्त या प्रोपेगुल। जो भी अंग जैसे कि तना लिया या कोई पत्ती ली या कोई जड़ का टुकड़ा लिया तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोपेगुल। अब हम कायिक जनन को विस्तार से पढ़ते हैं तो कायिक जनन जो है, यही कायिक जनन वापस से दो भागों में बांटा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में सारे नेचुरल मेथड्स होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सारे मेथड्स जो भी हम अपनाते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, जिन्हें हम अपना इंटरफेयर करके बनाते हैं या हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ते हैं तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है वो चार तरह से होता है। सबसे फर्स्ट है बाय स्टेम या तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है पादप के तने से जो नए पादप का विकास होता है या नए पादप का निर्माण होता है उसी को हम बाय स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे कि प्रकंद, इसका एग्जाम्पल है अदरक। कंद जैसे कि आलू, आलू को हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि अनुकूल वातावरण मिलते ही आलू के अंदर से छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन आंख निकल आती है, जिसे हम आंख कहते हैं या फिर आइस कहते हैं। उन्हीं आइस को अगर हम काट के जमीन में डालें तो उनसे नए पादपों का विकास हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट है शलकंद, शलकंद में उदाहरण है लहसुन। गनकंद, गनकंद का एग्जाम्पल है अरबी। ऊपरी भूस्तरी यानी कि भू से ऊपर की ओर जो होता है जैसे कि घास। अंतर्भूस्तरी जैसे कि पुदीना। बहुत सारी जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ये सारे हमारे तनो द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। इनमें हम तनो को या इन पौधों के तनो को काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर अगर हम मिट्टी में लगाए तो उनसे नए पादपों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है बाय रूट्स या जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें परहों को उत्पन्न करती है और नए पौधों के रूप में वृद्धि करते हैं, जैसे कि नीम, शीशम, चमेली, डहेलिया, शकरकंद, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लीफ, बाय लीफ, बाय लीफ या पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी कि इस कायिक प्रवर्धन में पत्तियों से ही नए पादपों का विकास हो जाता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जैसे तुम्हें डायग्राम में बता रही हूँ, ये मैंने ब्रायोफाइलम की लीफ बनाई है। इसमें जो पर्ण के चारों तरफ जो फलक है, ये पर्ण के चारों तरफ के किनारे जो है वहां पे जैसे ही ये नमी मिलती है या इन्हें इनके अनुकूल वातावरण मिलता है तो फलक के चारों ओर से छोटे 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 पादप विकसित हो जाते हैं। यही ये जो लीफ है वो डेस्ट्रॉय हो जाती है और ये नए पौधे जो है वो उग जाते हैं। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बिगोनिया का। तो बिगोनिया में कुछ इस तरह से नहीं होता है, इसमें कुछ अलग टाइप से होता है कि पर्णव्रंत और पर्ण की जो शिराएं हैं, है ना, पर्णव्रंत और पर्ण की जो शिराएं हैं, देखो मैंने शिराएं बनाई है और शिराए के शिराओं के ऊपर जहां शिराएं हैं वहां से नए पादप जो है वो निकल आते हैं या पर्णिल कलिका जिसे हम बोलते हैं वो निकल आती है और यही जो है वो अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पत्तियों में जो है वो कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन या बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जननांग क्या होते हैं, जैसे कि हमारा एलोवेरा है तो हम एलोवेरा को अगर देखें तो कुछ इस तरह की फली जो है वो ऊपर निकलती है। यही फली जो है वो जैसे ही अलग होके जमीन पे गिरती है तो नया पादप जो है वो विकसित हो जाता है। तो ये जो एलोवेरा में जो फली लगी वो क्या है, एलोवेरा का जननांग है और जननांगों से क्या हो गया, नए पादप का विकास हो गया। तो इस तरह से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है चार टाइप का होता है, तनों द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। नेक्स्ट टाइप है हमारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि हमने आर्टिफिशियली बनाया है या हमने अपना इंटरफेयर करके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो मेथड्स हम अपनाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें कई मेथड है, उसमें फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा है बाय कटिंग या
कर्तन विधि द्वारा, बाय कटिंग या कर्तन विधि द्वारा, बाय कटिंग या कर्तन विधि द्वारा। तो बाय कटिंग जो है यानी कि हम तने को या जड़ को काटते हैं और काट के नए पौधे का निर्माण करते हैं या विकास करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय कटिंग मेथड। ये दो टाइप्स का है, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में हम स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, जैसे कि सुगर कैन। सुगर कैन अगर आपने देखा हो तो उसमें दो भागों में बटा होता है, पर्व और पर्व संधिया। ये तो हम क्या इसे, इन दोनों को तो हम कहेंगे पर्व। ये क्या हो गए हमारे पर्व, और ये जो बीच में, दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, पर्व संध्या। जैसे हमें इनका रोपण करना होता है तो पर्व और पर्व संध्या के बीच बीच में से इसे काट कर जमीन में लगा दिया जाता है और पर्व संध्या से नया जो पौधा है वो विकसित हो जाता है और नीचे की ओर जड़ें विकसित हो जाती है। इसी तरह से हम रोज जो हम घरों में भी लगाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसकी कटिंग जो करके और फिर लगाते हैं। नेक्स्ट है रूट कटिंग। रूट कटिंग वह विधि द्वारा, यह विधि द्वारा जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन कराया जाता है, जैसे कि नींबू है, अमरूद है, सेब है, यानी कि मेरे एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे कि बड़े पौधे जो होते हैं उन्हीं के लिए अधिकतर ये मेथड यूज किया जाता है। मूल जो होती है या रूट जो होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऊर्ध्व स्थिति में यानी कि खड़ी स्थिति में लगा दिया जाता है और शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके। यानी कि जैसे इनकी रूट्स को निकाल कर, जो ये नींबू है, अमरूद है, सेब है, इनके पौधों से रूट्स को निकाल कर या अलग कर हम वापस से जमीन में लगा लेते हैं। फिर जो ऊपरी सिरा होता है वहां से लीफ निकल आती है और नीचे वाला जो सिरा होता है वहां से रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। और इस तरह से हम एक ही पौधों से कई सारे पौधे जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा बाय लेयरिंग या दाब लगाना। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। तो शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करना। अपस्थानिक यानी कि जहां से वो बन रही है वहां से ना बना के कहीं और से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, ये डायग्राम मैंने अधूरा बनाया। तो लेयरिंग में क्या हुआ कि मैंने ये शाखा है इसको मैंने जमीन में दबा दी। यहाँ जहां पे मिट्टी है वहां से हम देखेंगे कि कुछ समय बाद यहां से नए पौधों का विकास हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं या फिर दाब लगाना बोलते हैं। लेयरिंग के दो मेथड्स है, माउंड लेयरिंग, पॉज। लेयरिंग का फर्स्ट टाइप है माउंड लेयरिंग या टीला दाब लगाना। माउंड लेयरिंग या टीला दाब लगाने के लिए तने को जमीन में दबा देना, जिससे कि पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। जैसा कि मैंने डायग्राम में तुम्हें बताया भी था, जैसे कि हम चमेली, मोगरा, इसमें हम इस तरह की विधि जो है वो अपना सकते हैं। और हमें जो प्लांट जो माउंड लेयरिंग के लिए यूज किया जाता है वो प्लांट सर्वाइवल होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, डेड प्लांट यूज नहीं कर सकते हम इसके लिए। नेक्स्ट टाइप है इसका माउंड लेयरिंग। फर्स्ट टाइप था माउंड लेयरिंग, सेकेंड है एयर लेयरिंग या वायु दाब लगाना। अब वायु दाब लगाने के लिए जो है बड़े पौधे के ऊपर ये मेथड अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गुट्टी लगाई जाती है। अब गुट्टी क्या चीज है, हम एक पौधा ले, मैं डायग्राम की सहायता से आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक पौधा लिया है। अब इस पौधे की ये टहनी है, कोई बड़ा पादप है और इस पौधे की ये टहनी है, तो यहां से मैंने इसको छिल कर यानी कि इसकी बार्क को निकाल कर इसके चारों तरफ क्या लपेट लिया, कपड़ा या फिर रुई लपेट ली। और रुई लपेटने के बाद है मैंने इसके ऊपर एक मटकी लगा ली और मटकी के यहाँ पे मैंने एक छेद कर लिया जिससे कि ये लगातार गीला बना रहे। अब ये गीला रहेगा, नम बना रहेगा, तो यहाँ जहां से हमने छाल छीली यहाँ कुछ समय बाद में यहाँ से कुछ जड़ें विकसित हो जाएगी और इसको अगर हम काट कर अलग करके वापस से जमीन में लगाए तो हमें नया पादप जो है वो, हम इस तरह से नया पादप जो है वो विकसित कर सकते हैं। एयर लेयरिंग जो है अधिकतर बड़े पादपों के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में शाखा के सामान्य स्वस्थ भाग पर जो कि मैंने बताया है, स्वस्थ भाग पर या जो हेल्थी पार्ट होता है उसके चारों ओर बाहरी परत या फिर उसकी छाल को हम राउंड शेप में हटाते हैं, है ना, वलय के रूप में हटाते हैं और
छाल रहित भाग को या जो जिसमें छाल हट गई उसे हम क्या करते हैं, गीले कपड़े या रुई से ढक देते हैं। उसके बाद में हम बूंद बूंद पानी, उसके ऊपर हमने मटकी बांध ली या कुछ ऐसा पात्र बांध लिया, कोई ऐसा बर्तन बांध लिया जिसके नीचे मैंने छेद कर लिया, और इससे बूंद बूंद पानी लगातार हम इससे टपकाते रहते हैं या इसे गीला रखते हैं, जिससे मुख्य पौधे पर मिट्टी का रोप दिया जाता है और इसी मुख्य पौधे को अलग करके मिट्टी में रोप दिया जाता है, और फिर हम नया पादप जो है वो उगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्राफ्टिंग। हम ऑलरेडी दो टाइप पढ़ चुके हैं, बाय कटिंग एंड बाय लेयरिंग। अब थर्ड टाइप है हमारा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जिसे हम रोपण भी कहते हैं। इस विधि में दो अलग अलग पौधे के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं। वापस से देखना, दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर, दोनों अलग अलग पौधे थे, दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएंगे, संयुक्त होकर नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। जैसे कि मैंने कोई एक पौधा लिया, ये पौधा जमीन में उगा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से काट लिया, मुझे किसी और पौधे के गुण जो इसमें फ्लावर ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मुझे इसको इस पे रोपण करना है, तो इसे तो मैं क्या कहूंगी, कलम। और जिसके ऊपर मैं लगा रही हूं उसे हम क्या कहेंगे, स्कंद। ये क्या हो गया हमारा, स्कंद। और जिससे हमने लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, कलम कहते हैं। इसको मैं वापस से समझाना चाहूंगी। इस विधि में दो अलग अलग पौधे के हिस्से को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। अच्छी किस्म के जो पौधे होते हैं उसके हिस्से को निकाल दिया जाता है और उसकी जिसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। और नेक्स्ट होती है जो निम्न गुण वाला होता है, जिसे हमने क्या कहा, स्कंद कहा। अच्छी किस्म वाली जो क्या थी, कलम थी, हमने इसके ऊपर डाल दिया तो इसके जो निम्न गुण थे वो भी इसके कारण से क्या होगा, इसमें भी अच्छे गुण होने लग जाएंगे। इसके लिए दोनों ही पौधों का जो कैम्बियम है, कैम्बियम यानी कि ऐधा, दोनों ही पौधे के जो एम्बियम, जब मैं इस पे लगा लूंगी तो दोनों ही पौधों का जो कैम्बियम है उसमें संपर्क में आ जाएगा, और कुछ समय बाद में दोनों ऐधाएं जो है वो जुड़ जाएंगे, जिससे कोशिका विभाजित होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये कलम और स्कंद और कलम दोनों मिल गए तो दोनों के कैम्बियम मिल जाएंगे तो दोनों का ऐधा संपर्क में आ जाएगा, ऐधा संपर्क में आ जाएगा तो दोनों में वापस से कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और पौधे में वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी और ये पौधा नए गुणों के साथ में विकसित हो जाएगा। अब इस पौधे में दोनों के ही गुण होंगे, हमने जो अच्छे गुण लगाए थे, अच्छे गुण की कलम लगाई थी, वो इसमें पाई जाएगी। यह विधि आर्थिक रूप से उपयोगी पौधे जैसे गुलाब है, आम है, अमरूद है, सेब है, नींबू है, इन सबके लिए अपनाई जाती है। अब देखो, ग्राफ्टिंग के बहुत से टाइप है, जैसे हम कलम है, स्कंद है, इनका शेप साइज उसके अकॉर्डिंग इसके बहुत से टाइप्स है जो मैं आपको नीचे बताना चाहूंगी। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, फर्स्ट टाइप है विप या टंग ग्राफ्टिंग। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि टंग यानी कि टंग शेप में स्कंद। स्कंद क्या था हमारा, जिसके ऊपर कलम को हम लगा रहे थे, तो स्कंद में हम कैसा लगाते हैं, टंग शेप का चीरा लगाते हैं, यानी कि वी आकार का चीरा लगाकर कलम फिट करते हैं। अब हमने टंग को, देखो ये हमारा स्कंद है, इस तरह से हमने, तो कलम का भी शेप कैसा होगा, इस तरह से होगा, तो क्या होगा कि ये इसमें आके फिट हो जाएगा, और इस ग्राफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारा वेज या फच्चर या स्कंद, वेज या फच्चर ग्राफ्टिंग। तो इसमें स्कंद में वी शेप का तो चीरा लगाते हैं, पर कलम में वेज शेप का चीरा लगाते हैं, कलम में वेज शेप का चीरा लगाते हैं, और दोनों को जोड़कर फिर हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब वेज शेप क्या होता है, वेज शेप यानी कि जिग जैग शेप, इस तरह का चीरा लगाते हैं। इसमें तो हम वेज या फच्चर ग्राफ्टिंग में ये स्कंद है हमारा और ये हमारी कलम है। जो स्कंद होता है उसमें हम वी शेप का चीरा लगाते हैं, दोनों का व्यास जो है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि दोनों का व्यास जो है वो कैसा हो, सेम होता है। अब कलम जो होती है, हमने यहाँ पे अगर टंग की बात करें तो हमने इसमें इस तरह का चीरा लगाया, जबकि वेज में क्या होता है, हम वेज आकार का, इसे हम वेज आकार का चीरा बोलते हैं, तो वेज आकार का चीरा लगाकर दोनों को आपस में बांध देते हैं। तो इस तरह के जो रोपण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेज या फच्चर रोपण या
वेज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्राउन या क्रिट या मुकुट ग्राफ्टिंग या मुकुट रोपण। स्कंद कई गुना मोटा होता है। देखो ये इन तीनों से दोनों से अलग है। स्कंद कई गुना मोटा होता है। स्कंद यानी कि बेस जो होता है जिसपे हम लगा रहे हैं वो बहुत ही मोटा होता है और इसके ऊपर कई सारे कलम लगाए जा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा स्कंद है और ये हमारा स्कंद है और हम इस पे छोटे छोटे बहुत से सारे, जैसे मैंने एक कलम ये लगा ली, एक कलम ये लगा ली, एक कलम ये लगा ली, यानी कि बहुत ही सारे इसमें हम कलम लगा सकते हैं। इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है हम उसे क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग या फिर मुकुट ग्राफ्टिंग। इसमें एक ही पौधे पे बहुत से लक्षण हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलिका या बड ग्राफ्टिंग या कलिका रोपण या स्कंद कलिका रोपण। अब इसमें क्या होता है कि स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाया जाता है। कैसा चीरा लगाया जाता है, टी आकार का चीरा लगाया जाता है। जैसा आगे हमने देखा था वी आकार का स्कंद में वी लगाया था, नेक्स्ट में भी स्कंद में वी लगाया था, पर इसमें हम स्कंद की छाल में, पूरे स्कंद में लगा के केवल स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं और नई कलिका का रोपण किया जाता है। मैं डायग्राम को समझाना चाहूंगी आप लोगों को, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो टी आकार का चीरा लगाया था कुछ इस तरह से, हमने ये छाल में चीरा लगाया है और इसी पर ही हम कलम लगा लेते हैं। जैसे ये नई कलम है तो हमने यहाँ पे सेट कर ली और ये कलम से जो है वो नए पौधे का विकास हो गया, जिसके कलम के लक्षण जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का जो ग्राफ्टिंग होती है, इस तरह की ग्राफ्टिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, बड ग्राफ्टिंग या कलिका रोपण। थैंक यू, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड करके दे दूंगी। थैंक यू।